इटली से एक बॉलीवुड सेलेब ने इंडिया की फ्लाइट तो पकड़ी, लेकिन उस स्टार ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं किया लैंड। और इटली से निकलने के बाद काफी देर तक मिसिंग रही ये स्टार और कोई नहीं बल्कि हैं रानी मुखर्जी। जी हाँ, वही रानी मुखर्जी जो इटली में अप्रैल 21 को आदित्य चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। पर लगता है शादी करते ही आदित्य चोपड़ा के मीडिया से बचकर रहने की आदत से खुद रानी भी नहीं बच पाई है। इसीलिए सुनने में आया है कि रिसेंटली इंडिया वापस आने के लिए रानी वहाँ एयरपोर्ट पर तो पहुँची, उन्होंने इंडिया के लिए फ्लाइट भी ली, पर सोर्सेज की माने तो रानी बीच में ही कहीं ब्रेक कर दी अपनी जर्नी। और जब वो फ्लाइट मुंबई पहुंची, तब तक मीडिया को रानी के लौटने की भनक लग चुकी थी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया न्यूली वेड रानी को कैप्चर करने के लिए बेकरार खड़ी थी, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी रानी एयरपोर्ट लॉबी से बाहर नहीं आई। आती भी कैसे, शायद उन्होंने वो फ्लाइट बीच में ही ड्रॉप कर दी थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा रूट चूज किया जो थोड़ा डाइवर्टेड था। नतीजा, इंडिया लौटी रानी मुखर्जी को मीडिया कैप्चर नहीं कर पाया। वहीं थोड़ा और पता लगाने पर ये खबर आई कि रानी थोड़े वक्त बाद घर पहुंच चुकी हैं। हालांकि रानी अभी अकेले ही इंडिया लौटी हैं और कहा जा रहा है कि आदित्य कुछ वक्त बाद इंडिया वापस आएंगे। जाहिर है कि आदित्य मीडिया से बचकर रहने में अब माहिर हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें जरूर लगता होगा कि रानी के साथ रहने पर उन्हें कोई न कोई स्पॉट कर ही लेगा। क्रू और को पैसेंजर्स भी उन्हें रानी के साथ होने पर आसानी से पहचान सकते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने थोड़े दिनों बाद अकेले ही लौटने का फैसला किया है। वहीं रानी ने इटली से इंडिया लौटने में मीडिया की पापराजी को जो चकमा दिया है, उससे ये भी साबित हो गया है कि रानी वाकई अब आदि की अर्धांगिनी हो गई हैं। ऐसे में मीडिया से छिपकर रहने के चलते आदित्य चोपड़ा को इंडियन मीडिया ने अगर मिस्टर इंडिया का टाइटल दिया है, तो अब जब इटली से इंडिया लौटी रानी ने भी मीडिया को चकमा दे दिया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मीडिया रानी को भी मिसेस इंडिया का टैग थमा दे। हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई।